सर्वप्रथम तो मेरे तरफ से आप सभी को नमस्कार मैं राजेश मिश्र पी डब्ल्यू ओनली आई एस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों इस बात को ध्यान रखें कि हमारी संस्था उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो अपने वैकल्पिक विषय को लेकर परेशान होते हैं ऐसा कोई एक मंच मिले जहां तमाम हमारे मित्रों को हमारे मन चाहे वैकल्पिक विषय एक साथ पढ़ने को मिल जाए तो हमारी संस्था उसे प्रोवाइड करा रही है और आपको बता दें ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ नवम्बर से यहाँ आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के कितने सारे बैचेस स्टार्ट किए जाने हैं आप देख पा रहे होंगे पहले तो इंग्लिश या हिंग्लिश में देख लीजिए ज्योग्राफी मैथमेटिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंथ्रोपोलॉजी पी एस आई आर हिस्ट्री सोशियोलॉजी जैसे विषय आरंभ होंगे वैकल्पिक विषय के रूप में ऑप्शनल के रूप में तो दूसरा हिंदी माध्यम में ज्योग्राफी जो कि मेरे द्वारा पढ़ाई जानी है सोशियोलॉजी पी एस आई आर तथा हिस्ट्री जैसे विषय आरंभ होने जा रहे हैं जी हाँ दोस्तों ये सारे के सारे वैकल्पिक विषय में से आपने अपने लिए जिस विषय का चयन किया हो वो विषय आपका 27 नवंबर से आरंभ होने जा रहा है 27 नवंबर प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक इंट्रोडक्टिव क्लास के रूप में होगी जिसे सभी लोग ज्वाइन करके उस विषय की पूरी रूपरेखा सिलेबस की पूरी रूपरेखा रे, का अध्ययन कर सकते हैं आफ्टर दैट टॉपिक में टीचर इंटर कर जाएंगे, तो सभी इस बात को भूले नहीं ध्यान से सुने और ध्यान रखकर इस कक्षा को अवश्य ज्वाइन करें सभी के सभी विद्यार्थी उनसे अपने ऑप्शनल को लेकर एक बहुत सारी क्लैरिटी भी सीखने को मिलेगी ओके okay, तो शुरुआती दौर पर आपको बस इतनी ही बात मुझे बतानी थी आफ्टर दैट दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि मैं राजेश मिश्र आप लोगों को जिस तरह से जीएस में आपको ज्योग्राफी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक हिंदी माध्यम में पढ़ाता हूँ ठीक उसी प्रकार से वर्षों से 2011 ऑनवर्ड से एक स्वतंत्र फैकल्टी के रूप में ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रहा हूँ हिंदी माध्यम में हिंदी माध्यम में उसी परिपाटी में उसी क्रम में ऑनलाइन एजुकेशन का प्रचार प्रसार हेतु पी डब्ल्यू ओनली आई से जुड़ने के बाद मैं अब इस मंच पर केवल इस मंच पर ज्योग्राफी ऑप्शनल ऑनलाइन क्लासेस भारतवर्ष के तमाम हिंदी माध्यम हिंदी इंटरलैंड के बच्चों को कक्षाएं उपलब्ध कराता हूं। आज इस कक्षा के अंतर्गत मुझे आपसे कुछ बड़ी ही बेसिक और कुछ मौलिक सी बात करनी है जो आपके तमाम विद्यार्थियों के फोन कॉल आदि के आधार पर मेरे पास प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के जवाब दे देता हूं तो आज की इस कक्षा का उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि आखिर ज्योग्राफी वैकल्पिक विषय की तैयारी कैसे करें सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि सर ज्योग्राफी वैकल्पिक विषय हमें लगता तो बड़ा रुचिकर है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है बहुत मज़ेदार लगता है बट इसकी तैयारी कैसे करें इसमें कई तरह की कुछ भ्रांति और कई तरह के उत्साह भी बच्चों के होते हैं तो मैं दोनों तरह के प्रश्नों का निराकरण उत्साह वर्धन के प्रयास करूँगा और भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास आज की इस कक्षा के अंतर्गत करूँगा सर्वप्रथम ध्यान रखें दोस्तों कि जब भी आप वैकल्पिक विषय ज्योग्राफी का चयन करें इसका चयन करना है ज्योग्राफी आपके लिए मैं लिख देता हूं यहां पर सर्वप्रथम सिलेबस के टॉपिक का नाम लिख देता हूं आपके सब्जेक्ट का नाम लिख देता हूं ज्योग्राफी आप सभी के सभी जानते हैं कि आपके मेंस एग्जामिनेशन में और ना केवल मेंस में बल्कि इंटरव्यू के लिए आपके ऑप्शनल की एक बड़ी अहम और बहुत बड़ी भूमिका होती है ऑप्शनल सब्जेक्ट को थोड़ा सा इससे हटकर मैं बता दूं ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में अगर बात की जाए तो ऑप्शनल सब्जेक्ट कहने के लिए तो पेपर वन एंड पेपर टू के रूप में पेपर टू के रूप में 500 नंबर का होता है 250 नंबर के प्रत्येक प्रश्न पत्र अर्थात 500 नंबर का होता है लेकिन रियलिटी यह है कि इसकी भूमिका केवल 500 नंबर की नहीं होती है इसकी अपनी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भूमिकाएं भी हैं कैसे नोटिस करना कि जैसे ज्योग्राफी अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में अगर आप देखोगे तो 500 नंबर की भागीदारी तो निभाएगा ही पर इसे आप जीएस में इसकी भूमिका देखो और जीएस के दो स्तरों पर अपनी इसकी भूमिका को देख सकते हो एक प्रलिम्स लेवल की स्तर की भूमिका को देखोगे और दूसरा मेन्स लेवल की भूमिका को आप समझोगे तो मेंस एग्जामिनेशन में ज्योग्राफी जिनका वैकल्पिक विषय है उन्हें किसी भी स्थिति में पेपर फर्स्ट पेपर थर्ड दोनों से मिलाकर लगभग 220 से 230 या 40 नंबर का एज बाक़ी विद्यार्थियों की तुलना में उन्हें मिलता है अर्थात अगर आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी की तो जीएस में भी आपको इतने नंबर का बेनिफिट मिलता है अर्थात इतने नंबर का क्वेश्चन आप उन तमाम विद्यार्थियों से ज्यादा बेहतर कर रहे होंगे जिन विद्यार्थियों का वैकल्पिक विषय ज्योग्राफी नहीं है पहला तो यह बेनिफिट मिलता है दूसरा प्रलिम्स एग्जामिनेशन में आप जानते हैं कि, कि किसी भी वर्ष के आप प्रश्न पत्र को उठाकर देख लें तो लगभग 30 से लेकर 35 प्रश्न जोग्राफी इन्वायरमेंट इकोलॉजी, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को मिलाकर पूछे जाते हैं तो वो 30 से 35 प्रश्न 30 से 35 प्रश्न आप ऐसा समझो कि ऑप्शनल की कक्षा के साथ आपको यहाँ मुफ्त में मिल रहे हैं प्रलिम्स यूपीएससी का जो कि बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उसको उसके लिए अगर ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो यहाँ प्रलिम्स क्वालिफाई करने में कितनी सरलता और सहजता होगी क्योंकि ये पूरा का पूरा विषय बड़ा ही कॉन्सेप्टुअल है अगर फैक्ट्स भी हैं तो कॉन्सेप्ट के साथ हैं इसलिए बच्चों में बड़े इंटरेस्ट का विषय हमेशा रहा है बहुत ही इंटरेस्ट बड़ा ही रुचिकर विषय रहा है बहुत ही आकर्षित करने वाला विषय रहा है पर इस आकर्षण के साथ अगर इसे ऑप्शनल पढ़ा गया तो ध्यान रखें 30 से 35 प्रश्नों में अगर 28-30 प्रश्न भी सही कर लिए जाएं, तो अपनी सफलता के कि आप कितना करीब पहुंच जाते हैं इस बात को आप बखूबी समझते हैं मुख्य परीक्षा में आपने यहां 500 नंबर की तैयारी तो की थी अपने ऑप्शनल के लिए 200 से 250 नंबर के बीच में कुछ भी अगर क्वेश्चन आपको जीएस में देखने हैं तो यहां मिल गए अर्थात यहां तैयारी की और यहां भी आंसर लिखने में उत्कृष्टता बेहतर हो गई और इसके अलावा एक और चरण है एग्जाम का जिसे आप साक्षात्कार परीक्षा कहते हैं इंटरव्यू के नाम से जानते हैं इंटरव्यू के नाम से जानते हैं और इंटरव्यू के स्तर पर आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपके पर्सनालिटी बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो पर्सनालिटी एक नॉलेज बेस की भी होती है पर्सनालिटी आपके कॉन्फिडेंस की भी होती है पर्सनालिटी आपके आपके डिसीजन मेकिंग की भी होती है उन तमाम चीज़ों में दैनंदनिक जीवन से जुड़े हुए इस विषय की अपनी अहम भूमिका है प्रशासनिक कार्यों में क्षेत्र आधारित समय आधारित जन आधारित योजना आधारित प्रत्येक कार्य प्रत्येक क्रियाकलापों में ज्योग्राफी की अपनी महती भूमिका होती है अगर किसी भी क्षेत्र में आप जवाब दे रहे हैं तो उसमें से किसी न किसी दृष्टिकोण से आपको ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स का प्रयोग करना होता है चाहे फिजिकल एस्पेक्ट्स हो चाहे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हो चाहे इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स हो चाहे जिओपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हो इन तमाम एस्पेक्ट्स को भली भांति प्रकार से समझेगा वही विद्यार्थी जिसने जोग्राफी को ठीक से पढ़ा होगा अर्थात अगर आप यहां पढ़ रहे हो तो सारे ऑस्पेक्ट क्लियर हैं तो इंटरव्यू में किसी भी प्रश्न का जवाब भी आपका अन्य अन्य व्यक्तियों से से या विद्यार्थियों अधिक अधिक हुआ होगा और टू द पॉइंट होगा जिससे इंटरव्यू में मार्क्स बेहतर आते हैं इसलिए यह विषय अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों लेकिन प्रश्न है चलो ठीक है ये बात तो समझ में आई कि ज्योग्राफी महत्वपूर्ण है इसीलिए तो आप सबने इसका चयन किया है तो आखिर इसका आरंभ कैसे की जाए इसकी शुरुआत कैसे की जाए इसे पढ़ा कैसे जाए ये एक शुरुआत का एक प्रश्न कई विद्यार्थियों का होता है तो सर्वप्रथम मेरा मेरा जवाब होगा दोस्तों कि अगर आपको इसे शुरू करना है जैसे प्रश्न में यहाँ पर लिख दूँ कि आरंभ कैसे आरंभ कैसे मतलब तैयारी कैसे करें ऑप्शनल के लिए तो सबसे पहला आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आप सभी के पास ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस हो सिलेबस का मतलब पाठ्यक्रम आरंभ कैसे करना है तो आपको आज ही बिना किसी देरी के अपने नेट साधनों के माध्यम से आपके पास एक ये हाथों में मशीन है या लैपटॉप आदि होंगे आप इंटरनेट के प्रयोग के माध्यम से तुरंत ज्योग्राफी मेंस ऑप्शनल का सिलेबस निकालें और उसका अपना प्रिंटआउट आउट निकालें हार्ड कॉपी निकाल लें आप देखेंगे पूरे सिलेबस को दो पार्ट में बटा हुआ एक पेपर फर्स्ट होगा पेपर फर्स्ट होगा जिसके दो पार्ट हैं आप नोटिस करिएगा बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं जिसका पार्ट वन है पार्ट एक है पार्ट वन एंड जिसका पार्ट टू है पार्ट टू है ये पेपर वन है पेपर वन है और इसका पार्ट ए लिख देता हूं इसका पार्ट ए लिख देता हूं और पार्ट बी लिख देता हूं पार्ट ए के अंतर्गत पांच टॉपिक हैं जियोमोलफॉलोजी क्लाइमेटोलॉजी ओशियनोग्राफी बायो जोग्राफी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी टॉपिक है और पार्ट बी के अंतर्गत भी पांच टॉपिक हैं जिसमें से इकोनॉमिक जोग्राफी है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी का टॉपिक आता है मॉडल एंड थ्योरीज का टॉपिक आता है रीजनल डेवलपमेंट आदि का टॉपिक आता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी आदि का टॉपिक जिसमें से इसमें भी पाँच कुल टॉपिक आते हैं लास्ट टॉपिक पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में जैसे कैसे देखेंगे पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी इकोनॉमिक ज्योग्राफी जिसमें से पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट का मॉडल एंड थ्योरी का आएगा तो रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का आएगा इधर भी पाँच टॉपिक मिलते हैं इसी तरह से अगर हम पेपर टू की बात करें पेपर टू की बात करें जैसे सेकेंड पेपर आप बात करते हैं सेकेंड पेपर के अंतर्गत कुल पार्ट तो नहीं बटे हैं पर कुछ कुल दस टॉपिक आते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो इधर टेन टॉपिक हो गए इधर टेन टॉपिक हो गए नोटिस करना ध्यान से कुल पांच टॉपिक यहाँ कुल पांच टॉपिक यहाँ कुल दस टॉपिक यहाँ पूरे सिलेबस में दस टॉपिक होते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में तो ऑप्शनल विषय के अंतर्गत आपको केवल बीस टॉपिक पढ़ना है अब बीस टॉपिक देखने या सुनने में बड़ा भी लगता है और छोटा भी लगता है बड़ा क्यों लगता है बीस तो छोटा क्यों लगता है अब छोटा क्यों लगता है इस बात को समझना है दोस्तों रियलिटी ये है कि दोनों प्रश्नपत्र देखने को तो मिलते हैं कुछ इस रूप में लेकिन कई टॉपिक ऐसे हैं जो हू बहु आप जब पेपर फर्स्ट में पढ़ रहे होते हैं तो उनका अप्लीकेशन केवल सेकेंड में पढ़ना होता है कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती जैसे मान लो आपने इकोनॉमिक जोग्राफी पढ़ा आर्थिक भूगोल पढ़ा तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत प्राथमिक द्वितीयक तृतीय आर्थिक क्रियाएं जब पेपर फर्स्ट के लिए पढ़ा तो यहाँ पर भी पेपर सेकंड में भी आपको ठीक उसी तरह से हूबहू आपको टॉपिक एग्रीकल्चर से संसाधन से उद्योग से परिवहन व्यापार एवं संचार से मिल जाएंगे अर्थात पढ़ा यहाँ पर और उसका एप्लीकेशन उपयोग कर लिया यहाँ पर एक टॉपिक यहाँ पढ़ा और यहाँ के दो दो तीन तीन टॉपिक में एप्लीकेशन साथ, साथ तैयार हो रहा है अलग से करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पढ़ा पॉपुलेशन जनसंख्या जनसंख्या पढ़ा एवं बस्ती भूगोल पढ़ा तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से अलग से अलग से बस्ती भूगोल का टॉपिक अधिवास भूगोल का टॉपिक दिया है अधिवास भूगोल का टॉपिक दिया हुआ है और यहाँ अलग से ही सांस्कृतिक विन्यास का टॉपिक दिया है सांस्कृतिक विन्यास का तो दोस्तों यहाँ भी आप देखो जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल के जो सैद्धांतिक पक्ष यहाँ पढ़ते हैं दुनिया के स्तर पर जिसे अप्लाई करते हैं अगर यहाँ भारत के स्तर पर उन्हें पढ़ लिया जाए जैसे उदाहरण देता हूँ उदाहरण में आपने पढ़ा ग्रामीण बस्तियों के प्रकार प्रतिरूप एवं ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं या पर्यावरणीय समस्याएं अगर आपने कुछ इस प्रकार से इधर पढ़ा तो चीज़ें यहाँ भी तैयार हो रही हैं अब आपके पास सिलेबस का पॉइंट है कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज मतलब नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण नगरों का वहां की जाने वाले वहां किए जाने वाले कार्यों के आधार पर वर्गीकरण तो यहां जो वर्गीकरण करते हैं वही भारत में भी वर्गीकरण का उपयोग करना है हाँ यहां उदाहरण भिन्न हो जाएंगे यहां उदाहरण भिन्न हो जाएंगे जैसे कोई एक सेवा नगर है जहां पर सेवा के कार्य किए जाते हैं तो दुनिया के उदाहरण भिन्न होंगे भारत के उदाहरण भिन्न होंगे कोई एक औद्योगिक नगर है जहां औद्योगिक कार्य किए जाते हैं तो दुनिया के उदाहरण भिन्न होंगे भारत के उदाहरण भिन्न होंगे तो यहां पर उसका एप्लीकेशन बस यूज़ करते जाओ तो पढ़ो एक बार टॉपिक तैयार यहां भी होते जा रहे हैं इसी तरह से रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का है कि रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग अगर पेपर फर्स्ट में पढ़ा तो पेपर सेकेंड भी तैयार होता चला जाता है तो इस प्रकार से अगर आप टोटैलिटी में जिसे विस्तार से मैं आगे की कक्षाओं में आपको समझाऊंगा इस तरह से, अगर आप में अपने को प्रकार से देखेंगे शुरुआत यहीं से करनी है कि सिलेबस को प्रिंट आउट निकलवाइए और निकलवाने के बाद अपने सिलेबस का अध्ययन ठीक प्रकार से कीजिए और सिलेबस के अध्ययन से आप इस बात को पहला तो समझने की कोशिश करना है पहला सिलेबस के अध्ययन से आप क्या क्या निष्कर्ष में पहुंचेंगे पहला कि हमें जो टॉपिक दिए हैं उन टॉपिक में से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें हमें पढ़ना एक बार है पर उसे दो जगह पर बातें कंप्लीट हो रही हैं तो दोस्तों आपको पहला काम तो ये कर लेना है कि हमारे सिलेबस का जो इंटर एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है उस अप्रोच में कौन कौन से टॉपिक इंटरमिंगल है अब आप देखोगे कई बार ऐसा अद्भुत संयोग देखने को मिलेगा जैसे पेपर फर्स्ट में आपको मिला भूकंप पेपर फर्स्ट में मिला ज्वालामुखी जो, जो, तो पेपर सेकंड के दसवें टॉपिक में समकालिक मुद्दों में भूकंप तथा ज्वालामुखी जैसे टॉपिक मिल जाते हैं आपको फिर से प्राकृतिक आपदाओं में एक बार पढ़ा दूसरी बार तैयार हुआ दूसरी जगह के लिए भी तैयार हो गया पेपर फर्स्ट में आपको मिला लिखा है सिलेबस में लिखा है पर्यावरणीय समस्याएं तो पेपर सेकंड के समकालिक मुद्दे में भी है कि पर्यावरण या, या आप समझें कि यहाँ पर पारिस्थि, पारिस्थिति पारिस्थितिकी की, की महत्वपूर्ण तो समस्याएं तो दोस्तों जो यहाँ पढ़ रहे हो वही चीज़ तो वहाँ पर सिलेबस में लिखा है जब यहाँ पढ़ लिया तो वहाँ थोड़ी पढ़ना है जलवायु परिवर्तन अगर यहाँ पढ़ा तो वहाँ थोड़ी पढ़ना है आपको दोस्तों अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट यहां पढ़ाना है तो वहां थोड़ी पढ़ना एक ही बार पढ़ा और एक बार पढ़ा दोनों जगह पर तैयार हो रहा है तो सबसे पहला काम करना है कि हमें इंटरमिंगल टॉपिक्स को निकाल लेने हैं कि इंटरमिंगल टॉपिक्स हमारे कौन कौन से हैं तो जब ऐसा टॉपिक निकाल लेंगे तो आपके पास सिलेबस में सिलेबस में जो टोटल पार्ट प्राप्त होंगे 20 की जगह वह रह जाएंगे 12 टॉपिक हो जाएंगे कितने हो जाएंगे सिलेबस के पार्ट मित्रों तो बारह टॉपिक बीस टॉपिक की जगह बारह टॉपिक अर्थात आठ टॉपिक टॉपिक तो तो तुरंत समाप्त हो जाते हैं जब केवल ही पढ़ना तो ज्योग्राफी यही अपने आप में बहुत छोटा हो गया और बारह टॉपिक में भी बहुत सारा इंटरमिंगल है एक तो ये है तो आपको यह काम करना दूसरा काम क्या करना है दूसरा काम क्या करना है कि ज्योग्राफी अपने आप में हमने सिलेबस तो देख ही लिया क्या इसके टॉपिक जीएस से भी रिलेटेड है तो आपको लगेगा कि इसका 60 परसेंट टॉपिक तो आपने जीएस में पढ़ लिया है सच में आपको ऐसा लगेगा कि इसका 60 परसेंट टॉपिक आपने जीएस में पढ़ लिया जियोमॉर्फोलॉजी ओशनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी बायो इन्वायरमेंटल जोग्राफी डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक इंडिया फिजिकल के टॉपिक इंडियन इकोनॉमिक जोग्राफी के टॉपिक मतलब बहुत सारा ह्यूज मात्रा में ऐसा टॉपिक आपको नजर आएगा जो आपने जी में पढ़ा है हाँ ऑप्शनल में उसके कुछ सैद्धांतिक एस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं केवल जीएस के बराबर नहीं उसमें कुछ सैद्धांतिक एस्पेक्ट्स बढ़ जाएंगे जिन्हें मुस्कुराते हुए बखूबी पढ़ोगे वह विद्यार्थी जिसने जीएस के लिए ज्योग्राफी बहुत अच्छे से तैयार किया है यकीन मानो दोस्तों जिस दिन आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ऑप्शनल के लिए उसका ज्योग्राफी मुस्कुराते हुए समाप्त होता है हंसते खिलखिलाते हुए समाप्त होता है उसे किसी भी विषय बिंदु पर कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती हाँ लेकिन वह विद्यार्थी जिसने जीएस नहीं पढ़ा उसके लिए भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट यह होता है कि अब अगर ऑप्शनल के साथ आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया तो जीएस में ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा पोर्शन है जिसे आपको अब अतिरिक्त समय देने की जरूरत नहीं है ना ज्योग्राफी के लिए अतिरिक्त समय देना पड़ेगा ना आपदा प्रबंधन के लिए अतिरिक्त समय देना पड़ेगा न पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए अधिक समय देना पढ़ेगा अर्थात ऑप्शनल पढ़ लिया तो आपके जीएस का इतने बड़े पोर्शन 220 से 230 नंबर तक के पोर्शन की तैयारी का समय पूरी तरह से बच जाता है जिसका उपयोग आप अपने किसी अन्य विषय को और मजबूत करने में कर सकते हो अगर आप सिद्दत से पूरे मनोयोग के साथ अपनी पढ़ाई को करते हो दोस्तों तब ठीक है ना तो दूसरा आपको यह देखना है कि ज्योग्राफी के सिलेबस का पार्ट जीएस से कौन कौन से सेक्शन से जुड़ा हुआ है तो हम ऑप्शनल अगर पढ़ें तो जीएस में कहाँ से समय बचा सकते हैं आपको ये दूसरी बात देखनी है अब आपने जीएस से इसका इंटर रिलेशन देख लिया इसके अपने टॉपिक का इंटर रिलेशन देख लिया तो तीसरे नंबर पर तैयारी के क्रम में क्या करना है कि अब आपको पढ़ने की शुरुआत करनी है तो पढ़ने की शुरुआत कैसे करें उसका एक तरीका है पढ़ने की शुरुआत कैसे करें इसका भी अपना एक तरीका है एक तरीका तो यह है पहला तरीका कि आप सब में से बेसिक टेक्स्ट बुक का अध्ययन बच्चों को किया होना चाहिए एक पहला तरीका यह है अगर आपने बेसिक टेक्स्ट बुक पढ़ी हुई है तो डोंट वरी टॉपिक के साथ सीधे आगे बढ़ते हैं बेसिक टेक्स्ट बुक में क्या आता है जैसे सिक्स सेवेंथ एर्थ की बेसिक एनसीईआरटीज़ आती हैं ओल्ड या न्यू दोनों पढ़ लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है 11th, 12th की एनसीईआरटी फटाफट, फटाफट, दिनों दिनों में, दिनों में इलेवें जैसा ही सही पर एक बार पढ़ लिया जाए तो उनकी सारी मोटी मोटी बातें मस्तिष्क में अटक जाती हैं उन्हीं मोटी बातों को जब पहली बार आप सुनते हैं तो वो बात कठिन लगती है लेकिन एक बार आपने पढ़ा आपके मस्तिष्क ने मनन किया और अब वही बातें क्लास में आना शुरू हुई तो उनकी बोध गम्यता बढ़ जाती उन्हीं बिंदुओं की बोध बढ़ जाती है, उन बिंदुओं की समझ क्या बढ़ जाता है। तो दोस्तों तो 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 कर्तव्य बनता है कि कुछ आप बेसिक टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़कर रखें जिन बच्चों ने जीएस के स्तर पर पढ़ा अब उन्हें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है सब फिर ऑप्शनल के साथ हो जाएगा पर कुछ ऐसे भी बच्चों को मैं मानकर चलता हूं जिन्होंने एकदम फ्रेश तरीके से जीएस में भी अभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ा टेक्स्ट बुक आदि भी ज्योग्राफी की नहीं पढ़ा है पर ऑप्शनल सब्जेक्ट में एकदम फ्रेश स्टूडेंट्स की तरह आ गए हैं तो दोस्तों उन बच्चों को मैं बोलूंगा कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसे साफ सुथरे बच्चे जो किसी भी तरह से ज्योग्राफी के बारे में कुछ नहीं जानते उनके लिए भी मेरे पास शानदार प्लान है कैसा शानदार प्लान है जब भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तो बेसिक्स से लेकर टॉप तक ईच एंड एवरी डायमेंशन समझाऊंगा वैसे भी एक चीज और बता दूं जिसको कहते हैं खाली दिमाग ना पूर्णतः जो खाली दिमाग होता है बोर्ड अगर खाली है ना तो इसमें कोई भी बात लिख पाना ज्यादा सरल है पर बोर्ड अगर भरा है तो पहले बोर्ड को मिटाना पड़ेगा या जो भी लिखा गया है उसे डिलीट करना पड़ेगा आफ्टर दैट नई चीज भरी जा सकती है तो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा अगर वो पूरे शिद्दत से तैयार बस है पढ़ने के लिए तो उनके खाली बोर्ड में बेहद ही सुंदर लिखावट के साथ जिस तरह से हर बात लिखी जा सकती है अध्यापन के क्रम में मैं उन्हें हर एक बात बखूबी समझाऊंगा उनके एक एक कमेंट्स को लेते हुए ऑप्शनल में एक बात ध्यान रखेंगे जब भी मैं पढ़ाता हूँ प्रत्येक विद्यार्थी के प्रत्येक कमेंट्स का जवाब देने के साथ साथ क्लास पढ़ाता हूँ ताकि किसी भी एक विद्यार्थी को एक प्रतिशत की कोई समस्या शेष ना बचे तो आपको क्या करना है बेसिक टेक्स्ट बुक बेसिक टेक्स्ट बुक में सिक्सथ सेवेंथ एर्थ की एन पढ़नी है और इसे पढ़ने के बाद आपको इलेवेंथ ट्वेल्थ की एनसीईआरटी पढ़नी है इलेवेंथ ट्वेल्थ की एन में एक समस्या जरूर है मेरे प्यारे दोस्तों उसमें मूल रूप से दिक्कत क्या है कि जो ओरिजिनल एन लिखी गई है वो इंग्लिश में है हिंदी में जो भी एन अभी नई आई है नई पढ़नी पुरानी नहीं पढ़नी इलेवेंथ ट्वेल्थ की वो ट्रांसलेटेड वर्जन है अनुवाद हमेशा पढ़ने में थोड़ा सा दुष्कर होता है कठिन होता है पढ़ने में कठिन लगता है अनुवाद मस्तिष्क स्वीकार नहीं करता है तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अनुवाद से बेहतर होता है कि ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ा जाए तो एन सी आर टी इलेवेंथ ट्वेल्थ के स्थान पर डी आर खुल्लर की सरस्वती भूगोल के नाम से एन बेस्ड ही किताबें आती हैं इलेवेंथ ट्वेल्थ की आप उनको लेकर भी बेसिक स्टडी करना चाहें टेक्स्ट बुक के रूप में तो टेक्स्ट बुक आप पढ़ सकते हैं हमेशा एक बात जरूर याद रखिएगा गाइड कभी भी नहीं पढ़ना है कंपटीशन के दौरान आपको गाइड से पढ़ने की आदत नहीं डालनी है फिर से मैं बोलना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों यहां जब भी आप पढ़ें ओरिजिनल टेक्स्ट बुक से पढ़ें गाइड से आपको किसी भी स्तर पर कुछ भी नहीं पढ़ना है अगर गाइड से पढ़ेंगे तो पढ़ने का अप्रोच बदल जाएगा समझने के तौर तरीके बदल जाएंगे और उन तरीकों को बदलने में फिर आपको बड़ी कठिनाई होगी जिनसे आपको मेंस में कभी मार्क्स तो नहीं मिल पाएगा आपके पास नॉलेज नहीं आएगा आप इंफॉर्मेटिव हो सकता थोड़ा ज्यादा हो जाए पर आपके पास नॉलेज नहीं आएगा इसलिए मैं कहूँगा कि ओरिजिनल टेक्स्ट बुक ही पढ़े

तो हमने एक छोटा सा टॉपिक ले लिया कि हमें पढ़ना है क्लास में दोस्तों चलो भूकंप अर्थ पढ़ना है तो सबसे पहला सबसे पहला क्लास में पढ़ने और मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होगा इस बात को आपको समझना है और कैसे आप सबको पढ़ना है ऐसा नहीं है कि आप में से एक भी कोई ऐसा विद्यार्थी है जो भूकंप के बारे में जानता नहीं हो कुछ ना कुछ वह भूकंप के बारे में सॉरी कुछ न कुछ वो भूकंप के बारे में अवश्य सुना होता है और मैं तो ऐसा कह सकता हूं कि कुछ न कुछ नहीं वह बहुत कुछ भूकंप के बारे में जानता होता है लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि अगर प्रश्न के रूप में भूकंप से कुछ पूछ लिया गया तो मुझे जवाब कैसे लिखना है तो मैं आपको एक बात कहूंगा कि किसी भी विषय बिंदु को जानो इतना पूर्णता से जानो दोस्तों कि उसके बारे में कुछ भी प्रश्न पूछा जाए हर एक प्रश्न का जवाब आपके पास चुटकियों में होना चाहिए उंगलियों में होना चाहिए मुख मंडल पर होना चाहिए मस्तिष्क में होना चाहिए लेखनी में होना चाहिए और वो कैसे वो कैसे आ सकता है तो भूकंप अगर पढ़ना है तो सबसे पहले मैं आप पर एक वर्क करूंगा कि चलो मेरे प्यारे दोस्तों एक डायमेंशन पर काम करते हैं कि भूकंप में कितने कितने लिखने सोचने पढ़ने के डायमेंशन हो सकते हैं उस डायमेंशन के आधार पर इसका एक खाका बनाऊंगा आपके सामने जिसे साइनोप्सिस या स्ट्रक्चर कहते हैं खाका को मैंने क्या नाम दिया है जिसे साइनोप्सिस या स्ट्रक्चर कहते हैं जैसे कैसे खाका बनेगा भूकंप में क्या हो सकता है सबसे पहला तो इसकी एक पृष्ठभूमि हो सकती है इसकी अपनी एक भूमिका हो सकती है लेखन की भूमिका के साथ इसमें क्या हो सकता है पृष्ठभूमि के साथ क्या हो सकता है इसकी अपनी एक परिभाषा हो सकती है अपनी एक परिभाषा हो सकती है ठीक है परिभाषा हो सकती है इसके बाद क्या हो सकता है तो देखो पृष्ठभूमि और परिभाषा को जैसे हम एक्सप्लेन करेंगे तो आगे के विषय बिंदु निकल कर आएंगे जैसे पृष्ठभूमि क्या है पृष्ठभूमि क्या है भूकंप को हम जानते हैं कि भूकंप के दौरान भूपरपटी पर भूपृष्ठ पर, पर कंपन उत्पन्न होता है भूपृष्ठ पर उस कंपन से कई बार चट्टानों में वलन भी पैदा होता है तो कई बार चट्टानों में भ्रंशन पैदा होता है कई बार भूस्खलन का रूप धारण कर लेता है जिससे प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं अत्यधिक मात्रा में जान माल की क्षति अचानक हो जाती है इसीलिए भूकंप अपने आप में एक प्राकृतिक आपदा है ठीक है तो ये प्राकृतिक आपदा आती क्यों है कोई बाहर से शक्ति कार्य करती है या अंदर से शक्ति कार्य करती है सामान्यतः हम देखते हैं कि भूकंप पृथ्वी के अंदर से कार्य करने वाली क्रियाओं द्वारा उत्पन्न एक परिघटना है अर्थात अंतरजात शक्ति द्वारा अंदर की शक्ति को हम अंतर जात देखो अभी तो बहुत संक्षेप में बता रहे हैं इस बात को बहुत विस्तार से हम आपको ढाई से तीन घंटे में पढ़ाएंगे भूकंप एक टॉपिक जैसे अभी तो हम आपको 10 मिनट में समाप्त करने जा रहे हैं लेकिन पूरा टॉपिक जब पढ़ेंगे आप तो कितने घंटे में पढ़ेंगे ढाई से तीन घंटे में पूरा भूकंप समाप्त होगा चार घंटे में समाप्त होगा समझो कितना विस्तार होगा इसका चार घंटे से कम तो खैर नहीं लगेंगे दो कक्षाएं भूकंप में ही लग जाएंगी पर अभी दस मिनट में समझना है तो देखो कैसे समझना है तो हमें अब भूमिका क्या बनाना पड़ेगा कि भूमिका हमारा बनेगा दो बिंदुओं पर कि भूकंप अपने आप में एक प्राकृतिक आपदा है देखो भूमिकाएं कैसे बनती हैं पहले मैंने क्या बताया कि हम इस पर विचार करते हैं कि भूकंप हमारे लिए क्यों आवश्यक हुआ तो हमने बताया कि भूकंप जब भी आया प्राकृतिक आपदा आई प्रचुर मात्रा में जान माल की क्षति हुई जान माल की क्षति की दशा प्राकृतिक आपदा हो गई जिसका संबंध किसका किससे है पृथ्वी की अंतरजात शक्ति से है तो अंतरजात शक्ति अब आपके सामने आगे दो शब्द एक प्राकृतिक आपदा ये समझना होगा और एक अंतरजात शक्ति मतलब अंदर की शक्ति क्या है यह समझना होगा तो सबसे पहले जब मैं इसे पढ़ा रहा हूँ तो दोनों बातें एक्सप्लेन करूंगा कि आपदा क्या है विपदा क्या है प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं, मानवीय आपदाएं क्या हैं, इन सब पर विचार करके पूरी तरह से आगे बढ़ेंगे तो पृथ्वी के अंदर से कार्य कर रही अंतर जात शक्ति क्या है तो बाहर से कार्य कर रही बहिर्जात शक्तियां क्या हैं, तो भूकंप क्यों अंतर जात शक्ति का परिणामी हुआ इतनी बात आप समझकर इसकी भूमिका लिखेंगे तो अब भूमिका के बाद जब परिभाषा आती है तो परिभाषा तो एक सरल शब्दों में हर बच्चा प्रकट करता है कि भू परपटी पर उत्पन्न कंपन क्या कह देता हर बच्चा भू परपटी पर उत्पन्न कंपन या दोलन ही भूकंप है लेकिन ना यार मजा नहीं आया कुछ छिछलापन लगा है कुछ कुछ कमी कमी सी है तेरे बगैर आपने सुना है ना तो कुछ कमी कमी सी है कुछ बातों के बगैर जब ये सब बात आ गई दोस्तों तो चलो अब उसे पूरा करते हैं सबसे पहली बात जब भी भूकंप की बात आती है ना तो भूकंप में आपने लिखा है अंतर जात शक्ति और प्राकृतिक आपदा तो ये शक्ति का मतलब है किसी प्रकार की एक विशिष्ट ऊर्जा क्या है शक्ति का मतलब क्या है ऊर्जा और वो ऊर्जा है कहां अंदर की है तो जब भी परिभाषित करेंगे तो हम क्या बताएंगे कि पृथ्वी के अंतरतम से अंदर से भूगर्भ से उत्पन्न एक ऐसी ऊर्जा देखो कैसे परिभाषित कर रहे हैं तो कितना मजा आएगा एग्जामिनर को भी सुनकर बड़ा मजा आएगा अदरवाइज जो छिछली परिभाषा तो सुनता सुनता वो भी बोर्डम फील कर रहा थक रहा है हाँ यार वो समझ गया कि ठीक है बच्चा ने ठीक लिखा है पर कुछ कुछ और ये दिल मांगे मोर वाली बात थी जो कि आपने पूरा नहीं किया पर अब आप यहां क्या पूरा कर रहे हैं पहली बात से दूसरी बात को पूरा कर रहे हैं हमेशा जब भी आंसर लेखन किया जाता है ना दोस्तों इस बात का ख्याल रखता है कि दूसरा पैरा पहले पैरा से लिंक कैसे है या दूसरी बात सुनना दूसरा पैरा पहले पहरे के बाद क्यों लिखा जाए या पहला पैरा दूसरे से पहले क्यों लिखा जाए अगर इसका सटीक ज्ञान विद्यार्थी को हो गया ना तो दोस्तों किस्मत चमक जानी है ब्यूरोक्रेट आई बनने में उसे कोई नहीं रोकेगा अगर वह मेहनतशील कर्मठ विद्यार्थी है तो समझ गए मेरी बात की नहीं तो जब आपने ये बात लिखी तब तो इससे दूसरा पैरा लिंक हो रहा परिभाषा के रूप में कि पृथ्वी के अंतरतम से उत्पन्न ऊर्जा के प्रभाव से हमने बात समझानी है के प्रभाव से भू परपटी में उत्पन्न कंपन या दोलन भू परपटी में उत्पन्न कंपन या दोलन ही भूकंप है अब ये हमने परिभाषा दे दी परिभाषा में थोड़ी सी ही बात नहीं जुड़ी लेकिन उस नवीनता ने इसे बेहद खूबसूरत बना दिया जिसके प्रभाव से चट्टानों में चटकन चट्टानों में भ्रंशन चट्टानों में वलन जैसी क्रियाएं उत्पन्न होती हैं हमने परिभाषा दे दी अब जब परिभाषा दे दी तो परिभाषा के बाद प्रश्न उठता है कि हमने जिस ऊर्जा की बात की है तो आखिर वो ऊर्जा है कहाँ वो ऊर्जा है कितनी इसकी भी तो बात कर कि हर चीज कैसे लिंक करनी है आपको और ये आपका साइन बनता जा रहा है तो यहां पर फिर बात आती है भूकंपीय ऊर्जा भूकंपीय भूकंपीय ऊर्जा ऊर्जा अब ऊर्जा के बारे में बात अगर करनी है तो आपको बता दूं कि ऊर्जा के प्रसार ऊर्जा के फैलाव या ऊर्जा के निष्कासन के विविध विविध तरीके होते हैं तो ये भूकंपीय ऊर्जा जब उत्पन्न होकर चारों तरफ फैलती है यह निष्कासित होती है तो बेसिकली ये तरंगों के रूप में उत्पन्न होती है तो भूकंपीय ऊर्जा बेसिकली तरंग के रूप में होती है और ये तरंगे दो प्रकार की होती हैं एक फोकस से उत्पन्न तो दूसरे नंबर पर दोस्तों फोकस से उत्पन्न होती है तो दूसरे नंबर पर एपिसेंटर से उत्पन्न होती है एपिसेंटर से उत्पन्न होती है अब जैसे यहाँ पर फोकस और एपिसेंटर की बात आएगी तो पहले मैं समझाऊंगा फोकस अर्थात भूकंप मूल क्या कहलाता है यहाँ से कौन कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं तो यहाँ से दो प्रकार की तरंगे होती हैं एक पी वेव और दूसरी एस वेव। वर्तमान में तो यहाँ पर पी स्टार एस स्टार पी जी एंड एस जी जैसी तरंगों की भी बात जियोलॉजिस्ट ने की है सिस्मोग्राफर्स ने की है दोस्तों कि ऐसी तरंगे भी उत्पन्न होती हैं क्योंकि कि यह पृथ्वी के अंतरतम से उत्पन्न हो रही हैं इसलिए इन्हें बॉडी वेव कहते हैं इसलिए इन्हें काइक तरंगे कहते हैं एक तो इस प्रकार की तरंगे हुई और यही तरंगे जो अंतरतम से उत्पन्न हुई जैसे ही पृथ्वी सतह पर पहुंचती हैं तो जहां पर पृथ्वी सतह पर सबसे पहले पहुँची वो एपिसेंटर कहलाया अधिकेंद्र कहलाया और अधिकेंद्र में ऊर्जा में आपने पढ़ा होगा कि ऊर्जा ना तो बनती है न तो नष्ट होती है केवल रूप बदलती है तो पी तरंग ने भी रूप बदला तो ये रैले तरंग के रूप में प्राप्त हुई और एस तरंग ने भी रूप तक बदला तो ये लव तरंग के नाम से व्याप्त हुई अर्थात पी एवं एस एपिसेंटर में पहुँचते ही रैले एवं लव तरंग के रूप में प्राप्त हुई यह सरफेस में प्रवाहित होने वाली तरंगे हैं इसलिए इन्हें सरफेस वेव भी कहा जाता है क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य पी तथा एस की तुलना में दीर्घ है इसलिए यह दीर्घ तरंगे या लॉन्ग वेव भी कहलाती हैं इस तरह से आपने पूरी बातें करते हुए इन तरंगों की विशेषताएं भी बता डाली कि पी तरंग की विशेषता क्या है एस तरंग की विशेषता क्या है रैले की विशेषता क्या है लव की विशेषता क्या है एग्जामिनर को मज़ा आता जा रहा है कि बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से बच्चे ने हर बात बताई है तो फिर प्रश्न होता है कि भूकंपीय ऊर्जा के बारे में तो हमने जाना तो क्या इस ऊर्जा को हम माप भी सकते हैं क्या इस ऊर्जा की हम गणना भी कर सकते हैं क्या इस ऊर्जा का हम आकलन भी कर सकते हैं तो फिर प्रश्न आता है कि भूकंपीय ऊर्जा का मापन कैसे होता है तो मापन के लिए दो बात है एक मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं और मापन के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं तो यंत्र में आप सभी जानते हैं सीस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करते हैं सीस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं जिसे भूकंप लेखी नामक यंत्र कहते हैं फिर से बार बार समझाना चाहूँगा बताना चाहूँगा कि जितना अभी गति मेरी अधिक है क्लास में उतनी ही गति मध्यम एवं मंथर होती है ताकि एक एक शब्द बच्चों के मस्तिष्क में प्रवेश करके एक सूत्र में पिरो जाए क्लास से जब विद्यार्थी निकले तो उसे हर एक बात शब्दता क्रमिकता से याद हो ताकि उसे अब पांच मिनट की भी अतिरिक्त जद्दोजहद इस टॉपिक में ना करना पड़े इस प्रकार से प्रयास करवाता हूँ तो यंत्र कौन सा प्रयोग करते हैं सिस्मोग्राफ तो विधि कौन सी प्रयोग करते हैं तो मापन की दो प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं यहां पर हम विधि की बात कर रहे हैं एक तो रिक्टर पैमाने की बात कर रहे हैं रिक्टर पैमाने का उपयोग कर रहे हैं अब रिक्टर पैमाना क्या है इस पर भूकंपीय ऊर्जा की तीव्रता का मापन करते हैं या परिमाण का मापन करते हैं इसे लौगर्थिम स्केल पर कैसे व्यक्त किया जाता है इन तमाम बातों की चर्चा के बाद फिर मैं बात करूंगा कि दूसरे नंबर पर मर्केली पैमाने का प्रयोग होता है मरकेली पैमाने का प्रयोग होता है मरकेली पैमाना है इस पर किस प्रकार से तीव्रता का मापन करते हैं और तीव्रता का आशय क्या है तमाम बातों की चर्चा करते हुए इस विधि की बात आई तो फिर दोस्तों एक नया प्रश्न आपके मन में बरबस ही होगा कि सर एक बात तो ठीक आपने बता दिया कि भूकंप है क्या इसमें ऊर्जा किस प्रकार से पैदा हो रही है तो मापन की इसकी विधियाँ क्या क्या है तो सर आप मुझे ये भी तो बता दो कि भूकंप उत्पन्न होने के कारण क्या क्या हैं? क्या बोलोगे आप कि भूकंप उत्पन्न होने के कारण क्या क्या हैं? तो तुरंत मैं यहाँ पर आपको अपने फ्रेम में में इसके कारण पर चर्चा करूंगा और जब कॉजेस पर बात आएगी तो यहाँ तुरंत कारण की बात कर दूंगा और कारण में दो प्रकार के कारणों की चर्चा करूंगा एक प्राकृतिक कारण तो दूसरा मानवीय कारण होगा ठीक है एक प्राकृतिक होगा पूरा लिख देता हूं प्राकृतिक नेचुरल कॉजेज हो जाएंगे प्राकृतिक अब उन प्राकृतिक कारणों में तमाम कारणों की बात करनी है जैसे ज्वालामुखीयता की क्रिया हुई प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी की क्रिया हुई मेटियोरिक एक्टिविटी की क्रिया हुई तो दोस्तों इसमें एक और बात है आइसो स्टेटिक इम्बैलेंस की भी बात करनी है आइसोस्टैटिक इम्बैलेंस जिसे आप कहते हैं समस्थितिक असंतुलन की भी बात करनी है तो भूस्खलन जैसी क्रियाओं की भी बात करनी है तमाम प्रकार की प्राकृतिक क्रियाओं को अक्षर सा बताते हुए उनके कारणों को समझाते हुए एक एक पक्ष को आपने कंप्लीट किया तो दूसरी तरफ मानवीय क्रियाओं में भी आएंगे और मानवीय क्रियाओं में इस समय जो बेहद चर्चा में हैं वह मानव द्वारा निर्मित किए गए बांध और बांध आधारित जो भूकंप आ रहे हैं ठीक है जिसको जिसमें से हम जिसमें से हम सीस्मिक इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी का अध्ययन करते हैं मीन्स प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का अध्ययन करते हैं इलास्टिक रिबाउंड प्रेरित भूकंप की बात करते हैं तो डैम इंड्यूस्ड सीस्मिक सिटी की चर्चा करनी है और बहुत महत्वपूर्ण है इसके साथ साथ माइनिंग एक्टिविटी मीन्स खनन क्रिया किस प्रकार से भूकंप को प्रेरित कर रही है तो विस्फोट की क्रिया विस्फोट की बात आती चाहे एटॉमिक बम विस्फोट हो या कोई और विस्फोट हो विस्फोट क्रिया के माध्यम से मानव किस तरह से भूकंप पैदा करता है तमाम एस्पेक्ट्स को हमने कारणों में बता दिया एक बात और समझो दोस्तों जब भी आंसर राइटिंग करें तो आंसर राइटिंग करते समय या भूगोल पढ़ते समय किसी भी विषय को पढ़ते समय सबसे पहले आपकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए भाषा में शब्दों का प्रयोग सटीक होना चाहिए भाषा में जब भी भाषा लिखी जाए दोस्तों संक्षिप्त हो संक्षिप्त हो और भाषा सारगर्भित हो इन तमाम पक्षों को जरूर ध्यान रखना है जरूर ध्यान रखना है अब इन शब्दों का शुद्धता तो जानते हैं सटीकता का मतलब जहां जिस शब्द का प्रयोग करना है वही शब्द लिखा जाए संक्षिप्त का मतलब भाषा को बढ़ाना नहीं बहुत ज्यादा किंतु परंतु ये करते हुए संक्षिप्तता में बात कहनी है और सारगर्भिता का मतलब है ऐसे शब्दों का चयन करते हुए लिखना है जो बहुत सारी बातों को कुछ एक शब्दों में कहकर निकाल देते हों देखो दो तरीका है एक तो भाषा को बढ़ाकर लिख दिया गया दूसरा हम ऐसे बेहतर शब्दों का चयन सटीक रूप से करें कि बहुत सारी बातें एक शब्द में ही समा जाएं और एग्जामिनर को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए सरल भाषा में हो सुग्राह भाषा में हो तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें पहला तो बात यह है दूसरा जब आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो भाषा के साथ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि किसी भी विषय में किसी भी विषय में जब एग्जामिनर की निगाहों को आप आगे फटाफट बढ़ने से रोकेंगे तो मार्क्स ज्यादा आएगा फटाफट बढ़ने से रोकने का मतलब क्या है इस कई जब आंसर लिखते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कहीं पर चित्र बनाएं जिसको कहीं पर मानचित्र आप लिख सकते हैं कहीं मानचित्र बनाएं कहीं पर टेबल फॉर्म कर दें कहीं पर ग्राफ फॉर्म करें कहीं पर फ्लो चार्ट बना दें दोस्तों कहीं फ्लो चार्ट बना दें समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं तो ग्राफिक्स का प्रयोग करें टेबल्स का प्रयोग करें मैप का प्रयोग करें फ्लो चार्ट्स का प्रयोग करें ये तमाम चीज़ें करें आंसर को जितना डाइवर्स बनाएंगे ना एग्जामिनर की निगाहें उतनी ही टिकेगी जब मैं पढ़ाऊंगा अध्यापन कार्य कराऊंगा तो ये जैसे हर जगह काम कराऊँगा जैसे उदाहरण में देखो आप जब यहाँ पर मैं भूकंप की परिभाषा के साथ ऊर्जा आदि लिखा रहा हूँ तो ऊर्जा की जब विशेषताएँ बताएंगे ना तो ऊर्जा की विशेषताओं पर कई डायग्राम्स बनाएंगे कई चित्र बनाएंगे और उन चित्रों पर आपकी एग्जामिनर की निगाहें टिकेंगी और जब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे होंगे ध्यान रखना आगे बढ़ रहे होंगे इन तमाम बातों पर तो हमने फ्लो चार्ट बना दिया फ्लो चार्ट के साथ प्रत्येक पक्ष पर छोटा छोटा मैप छोटा छोटा चार्ट छोटा छोटा डायग्राम्स बनता जाएगा टेबल्स बनते जाएंगे तो एग्जामिनर की निगाहें यहाँ पर टिकती जाएंगी और हर जगह पर एग्जामिनर आपके बढ़िया राइट का निशान लगाता हुआ कुछ कुछ मार्क्स देता जाएगा तो ये दायित्व मेरा है कि मैं आप सबको कुछ इस तरीके से प्रत्येक टॉपिक का अध्यापन कार्य कराऊं कि आपको मेहनत उतनी ही करनी पड़े जितने की आवश्यकता आपको सेल्फ स्टडी के रूप में है जितने की आवश्यकता आपको रिवीजन के रूप में है आपको पढ़ने में मेहनत ना करनी पड़े पढ़ने वाली मेहनत की जिम्मेदारी मैं ले लूँ समझ गए मेरी बात कि नहीं पढ़ाने वाली मेहनत की जिम्मेदारी मैं ले लूं ठीक है अब उसके बाद रिवीजन की जिम्मेदारी आप लो आंसर राइटिंग करने की जिम्मेदारी आप लो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जिम्मेदारी आप लो तरीका मैं दे दूं कि देखो ऊपर से नीचे तक टॉपिक का पूरा तरीका यह होता है इस तरीके में इतनी इतनी बातें लिखी जा सकती हैं बस आपको बार 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 उसे रिवाइज करना है कंठस्थ करना है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो आपको ये काम करते हैं तो यहां पर कारण में फ्लो चार्ट देते हुए फ्लो चार्ट के प्रत्येक बिंदुओं को एक्सप्लेन करते हुए एक्सप्लेन करते हुए आपको फिर अब भूकंप के प्रकार बताने हैं कि भूकंप का अगर वर्गीकरण किया जाए तो कितना प्रकार में बांट सकते हैं तो यहाँ गहराई के आधार पर भूकंप को कई वर्ग में बांटते हैं कई वर्ग में बांटते हुए कौन कौन से वर्ग होंगे टॉपिक के साथ बढ़िया विस्तार से पढ़ेंगे और फिर दोस्तों इसके बाद अंतिम बात आती है कि आखिर भूकंप का वितरण कहाँ कहाँ भूकंप प्राप्त होते हैं तो दोस्तों विश्व मानचित्र के साथ विश्व मानचित्र के साथ इसका हम वितरण दिखा देंगे कि कहां, कहां पर मानचित्र प्राप्त हो मानचित्र में किस किस प्रक्रिया से दुनिया के सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में पाए जाते हैं कारणों के साथ सारा स्पष्टीकरण कर देंगे तो फिर अंतिम बात इसमें आ जाएगी कि भूकंप का प्रभाव क्या होता है जब भी प्रभाव लिखें हमेशा दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान रखें इसके नकारात्मक प्रभाव क्या हैं तो अगर नकारात्मक प्रभाव हैं तो ध्यान रखें प्रत्येक प्राकृतिक क्रिया अपने आप पर सकारात्मकता भी लिए होती है तो इसके सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं इसे भी इस रूप से इतना पर्याप्त तरीके से मेंशन करना है कि अगर कभी आपसे एग्जामिनर केवल इस पॉइंट पर प्रश्न पूछ ले कि भूकंप क्या है भूकंप के सकारात्मक नकारात्मकता को तो सब कोई जानता है पर भूकंप के सकारात्मक पक्षों की विवेचना करते हुए समझाएं कि यह स्थलाकृति में परिवर्तन लाने में किस प्रकार से सहायक है तो आपके पास ये बात लिखने के लिए भी पर्याप्त मैटर हो इतना विस्तारित मैटर के साथ आपको अपने टॉपिक को पढ़ना है कहीं पर पढ़ने में कंजूसी नहीं कहीं पर पढ़ने में कोताही नहीं करनी तो इस संदर्भ और इस दृष्टिकोण से आपका प्रत्येक टॉपिक भूगोल का पाठ्यक्रम दृष्टिकोण से पढ़ा जाएगा जब इतनी बातें आपकी समाप्त हुई तो फिर अब प्रश्न आता है कि थोड़ा सा एक केस स्टडी के रूप में भारत के संदर्भ में चीजें देख ली जाए जब भारत के संदर्भ में इतना पढ़ने के बाद आप देखोगे तो फिर आपके बार आपके पास सीधा सा एक जवाब आएगा भारत की भूकंप पेटियां कौन कौन सी हैं भूकंप पेटियां कौन कौन सी हैं तो भारत के आप जोन फाइव से लेकर दोस्तों जोन वन तक की कहानी को आप कारण के 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 साथ मैप के साथ साथ प्रभाव मैप सब कुछ कारण प्रभाव मैप के साथ दर्शाएंगे तो एग्जामिनर को हर एक वो पक्ष जो आपसे चाहिए था सब कुछ आ जाएगा अब आप कभी भी विचार करो कि भूकंप में इसके अलावा कुछ एक विषय बिंदु हो सकता है क्या आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं हो सकता कुछ भी विचार करो आपको जो मैंने फ्लो चार्ट किया यही सॉरी मैंने साइन जो दिया ये है आपका साइन या स्ट्रक्चर जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसी तरह भूमिका परिभाषा भूकंपीय ऊर्जा मापन मापन की विधियां इसके कारण कारण के साथ साथ इसके प्रकार वितरण प्रभाव एवं भारत में भूकंप पेटियां विश्व की भूकंप पेटियां नहीं पढ़ा जाता भारत की पढ़ा जाता है जब इतने बिंदु आपके मस्तिष्क में हर टाइम बैठ गए मस्तिष्क में हर चीज़ समाई हुई है आप चाहे आंखें बंद करो या खोलो गाना नहीं गा रहा हूं कि आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है तो दोस्तों चाहे आंखें बंद करो या खोलो पर पूरा टॉपिक आपके मस्तिष्क में हमेशा उमड़ घुमड़ कर सामने आ रहा होगा आपसे किसी भी विषय बिंदु पर कहीं से भी कोई बात उठाकर अगर भूकंप से पूछी जाए हर आप हर बात का जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम होंगे हाँ एक बात और होती है अध्ययन के क्रम में कई बार शिक्षकों द्वारा बिंदु तो बताए जाते हैं पर बिंदुओं का विस्तार नहीं बताया जाता पर मैं अपनी कक्षा की यही विशेषता अलग से बताऊंगा कि यहाँ मुझे प्रत्येक बिंदु का विस्तार बताना होता है और उस विस्तार को इस लेवल का बताना होता है कि अगर यूपीएससी इस पर फुल लेंथ प्रश्न भी पूछ ले तो आपके पास पर्याप्त मैटर होना चाहिए इसीलिए मुझे सिलेबस को पढ़ाने में पर्याप्त समय भी लगता है सिलेबस को पढ़ाने में पर्याप्त तो समय के साथ साथ ध्यान रखें आपका लगातार विषय वस्तु के प्रति जुड़ाव की आकांक्षा भी मेरी रहती है दोस्तों इस प्रकार से अध्यापन कार्य प्रत्येक टॉपिक का मेरे द्वारा कराया जाएगा जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा अक्षरश अच्छा लिखाऊंगा आपकी कॉपी में कुछ बच्चे होते बोलते सर टॉपिक पढ़ा पढ़ा दो लिख तो हम लेंगे ही पर मुझे पता है बाद में कुछ नहीं होता कोई बच्चा नहीं लिख पाता आधी अधूरी बात लिखता है कुछ कुछ लिखता है कुछ छूट जाती हैं तो यहाँ पर मैं इस चीज़ में भी कोई कंजूसी नहीं करता कोई कोताही नहीं करता जितनी बात शुरू से मैंने की यहाँ से शुरुआत की है यहाँ से मैंने शुरुआत की उस सारी बात को जितना समझाया उतना हर एक बात आपकी कॉपी में लिखाता हूं लिखाने का उद्देश्य यह होता है कि सपोज आज मैंने पढ़ाया तो सच्चाई यह है कि ये बात अभी आज याद रहेगी कल याद रहेगी एक सप्ताह तक याद रहेगी सप्ताह के बाद धीरे धीरे ये धूमिल हो जाती हैं यादें जब यादें धूमिल हो जाएं तो एटलीस्ट आपकी कॉपी में हर एक बात हो हालांकि रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाती हैं पर रिकॉर्डेड क्लास से फिर से शुरू से लास्ट तक में चीजें चुनना थोड़ा कठिन होता है बच्चों के लिए मैं बच्चों से बात करने के बाद ही इस निर्णय पर पहुंचा यह भी बता दूं और अगर कॉपी में लिखा तो फटाफट पेज पलट कर देख लिया वहां पर कि इस विषय वस्तु में क्या बात सर ने लिखाई थी अगर कुछ जोड़ा जा सकता है तो और हम क्या जोड़ सकते हैं यह भी विषय बिंदु यहां पर होता है तो इसलिए पूरा नोट्स सा आपके सामने होगा जिस दिन आपका पूरा विषय वस्तु तैयार होगा तो साइनॉपसिस भी आपके सामने होगा पूरा नोट्स भी आपके सामने होगा इन पूरी प्रक्रियाओं के साथ दोस्तों पूरा का पूरा विषय वस्तु आपके साथ मैं कंप्लीट कराऊंगा इसी बात के साथ आज मैं इस कक्षा से विदा लेता हूं आशा करता हूं कि ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ नवंबर से आप अपने अग्रिम एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए वैकल्पिक विषय ज्योग्राफी के साथ आप मुझसे मिलेंगे नमस्कार दोस्तों नमस्कार फिर मिलते हैं तब तक के लिए विदा लेता हूँ धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद